हेलो टेरेस गार्डनर्स, मैं गिरी आप लोग का वेलकम करता हूँ अपने चैनल द गिरी बाग पे। और आज के वीडियो का टाइटल है कि कैसे बनाएं अच्छी कंपोस्ट फिल सॉइल, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी यील्डिंग मिल सके, काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट मिल सके अपने किचन गार्डनिंग से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि फुल इन्फॉर्मेशन आपको समझ आएगी और आप अच्छी कंपोस्ट भरी मिट्टी बना सकेंगे और आपको मिलेगा अच्छी हार्वेस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है काउ डंग कंपोस्ट, यानी कि गाय की गोबर की जो आते हैं ना कंडे या उपले, ये वो है जिसको कि मैंने पानी में गला दिया था और अब वो काफ़ी भुरभुरा हो गया। मैंने इसे अच्छे से मैश करके रखा है। ये है वर्मी कंपोस्ट जो कि अभी हम ताज़ा ताज़ा लेके आए हैं 1 किलो, और इसके ये अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा वेट है। तो अगर आपको ये ना समझ आए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्मी कंपोस्ट है। इसका भी रेशियो हमने 10% लिया है, 10% हमारा काउडंग कंपोस्ट है और 10% हमारा वर्मी कंपोस्ट है। ये दोनों ही कंपोस्ट अगर आपके पास ना हो तो ऑप्शनल है, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास ना हो तो आप इसे ले सकते हैं। 50% मैंने यहाँ पे ली है गार्डन सॉइल, जो कि मेरे पुराने जेड रूपा का प्लांट लगा था और अब वो ख़राब हो गया है, तो उसकी रूट्स अभी इसके अंदर हैं। तो सिंपली इसके अंदर रूट्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली 3 चीज़ों की। अब हमारे सामने है टर्मरिक यानी हल्दी। आप इसे एंटी फंगल के रूप में डाल सकते हैं। हल्दी पौधों को थोड़ा पोषक तत्व भी पहुँचाती है, मिट्टी को फंगस से बचाती है। आप लोग के कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया मेरे प्लांट अच्छे खासे हरे भरे थे पर वो अचानक से सूख गए। तो कई बार हमारे पौधों में रूट रॉट लग जाता है या काफ़ी सारे कीड़े पड़ जाते हैं, तो जो हल्दी होती है वो नहीं आने देती और हल्दी जो पौधे की इम्यूनिटी रहती है उसको भी बनाए रखती है। दूसरा, चौथा है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम डाल चूना हम कैल्शियम के सोर्स के लिए डालेंगे। कैल्शियम से पौधों में जो फ्रूट लगता है उसका टेक्सचर शाइनी आता है और जो पौधा होता है वो गिरता नहीं है, लकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। कैल्शियम इंसानों के साथ साथ प्लांट को भी चाहिए, जिससे कि वो खड़े रह सकें। तो हल्दी और चूना आप ये दोनों ही डालें। आप हल्दी की जगह ट्राइकोडर्मा का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है। ये है हमारी राख। राख हमारे पौधों में क्या काम करेगी? राख जो है जब फूल आएंगे तो फूल झड़ेगा नहीं। इसके अंदर पोटेशियम फॉस्फोरस होता है जो कि हमारे फूल को रोकता है, फल बनने में मदद करता है। तो इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो हर एक शॉट में कहता हूँ कि राख ज़रूर डालिए। और ये तीनों तो आप अगर एक एक चम्मच भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये तीनों ही चीज़ बेसिकली हमारे घर पर होती हैं, सर्दियों के टाइम में राख भी मिल जाती है। और छठा है हमारा ये था हमारा गॉट मैन्योर। हाँ, ये मेरी बकरी की लेड़ की खाद है। मैंने कहीं से बकरी की लेड़ का इंतज़ाम किया था और उसका धूप में सुखा के सिंपल ईट से कुचल के मैंने उसका पाउडर सा बना दिया। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, कई लोग क्या करते हैं ख़रीद लेते हैं, पर अगर आप जिसने बकरी को पाल रखा उसके पास जाएंगे तो वो लोग स्टोर करके रखते हैं इसकी खाद को प्लांट्स में डालने के लिए, तो लोग भी देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 10% काउडंग कंपोस्ट, 10% हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट, 50% लिया है हमने गार्डन सॉइल और 5% लिया है टर्मरिक, 5% कैल्शियम। और बस ऐसे ही हमारे रेशियो बन गई 100% की और हमारे जो मिट्टी है वो वेल न्यूट्रिशियस बन गई है हमारे प्लांट के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही मिट्टी बनाइए जिससे कि आपके पौधों में कभी कोई दिक्कत ना आए। किसी भी प्लांट की सारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग का सारा सिस्टम उसके मिट्टी पे ही निर्भर रहता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वही हमारे प्लांट की जान होती है। क्योंकि हम लोग सीमित मिट्टी में उगाते हैं कोई भी प्लांट, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह आप भी कहते हैं अपनी सॉइल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो भी मैं इसके अंदर प्लांट लगाऊंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, या कोई भी वेजिटेबल जो लगाऊं वो शेयर करूंगा। तो आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि नीम खली हो गई, बोन मील हो गई, पर बोन मील की जगह हमने कैल्शियम डाला है यहाँ पे यानी चूना, और फंगीसाइड नीम खली की जगह पे हमने डाल दिया है टर्मरिक। तो दोनों ही बहुत अच्छा काम करेंगे।
और गोट मैन्यूर ऑप्शनल है, बिल्कुल डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं। ये देखिए ऐसे में थोड़ी लकड़ी आ गई क्योंकि हम लोग जहाँ से लाए थे वहाँ पे थोड़ा गंदगी भी थी। कोई बात नहीं, आप भी सिंपल उसे मिक्स कर लीजिए और जो भी प्लांट्स लगाएंगे मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद जब हम पॉटिंग मिक्स भरेंगे उसके नीचे हम सूखी डंडियाँ डालेंगे जिससे कि मिट्टी ड्रेन ना हो। तो उसके लिए आप सूखे पत्ते या घर के वेजिटेबल्स पील वो डाल के सिंपली पॉटिंग मिक्स तैयार कर देंगे और पॉटिंग मिक्स लगाने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा प्लांट का वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो आप लोग को भी इस चीज़ का रखना है कि जो भी आप प्लांट लगाएं उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाए। तो आज के अपडेट में मैं आपको ये शेयर करूँगा कि जो ये मैंने मिट्टी बनाई थी इसके अंदर टर्मेरिक, कैल्शियम, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और गोट मैन्यू डाला था, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया आज। ये वीडियो पूरा 22 डेज बाद का अपडेट है जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने अपनी मधुमालती में कि कैसे बहुत सारे बैगन उगाएं, क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं कि हमारे वेजिटेबल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है पर उग नहीं रहा। तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए मैं आपको आज वो वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें कि मैंने वो कंपोस्ट में बैगन उगाए और उसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। तो वीडियो को एंड तक ही देखिएगा इस क्लिप को, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सॉइल में क्या क्या डालना चाहिए और कैसे अच्छा रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने पाँच ही एक प्लांट लगे हुए हैं जिसमें कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है और उसमें एक दो नहीं पर प्लांट में 6 to 7 ब्रिंजल आसानी से लगे हुए हैं। अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं मेरे पेड़ में लगी ब्रिंजल्स की। और अगर आप वैरायटी की बात करें तो मेरे तो पर्पल और गोल साइज़ के हैं, तो अगर आप चाहें तो किसी भी शेप एंड साइज़ के ब्रिंजल उगा सकते हैं। बस उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए कि आप उसे किस तरह उगाएंगे, क्या सीज़न रहेगा। इसको आप पूरा महीने पर कभी भी, पूरा साल भर कभी भी उगा सकते हैं, बस ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी के वक्त ना उगाएं, जैसे कि जनवरी फरवरी और हमारा हो गया मई जून, क्योंकि इस टाइम में ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमारी सीडलिंग नहीं आ पाती और ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बैगन लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। तो यही मैंने कंपोस्ट डाला था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो अगर आप भी करना चाहते हैं किचन गार्डनिंग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है टेरेस गार्डनिंग या, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसकी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा। और अदर जैसे कि पेस्टिसाइड और कैसे, पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो पर जा सकते हो। मैं भी एक सीरीज़ लेके आया हूँ फुल ब्रिंजल प्लांट की, जिसमें कि जब मेरे पौधे की जब मैंने सीड को सोइंग किया था तब से लेके अब तक के जितने अपडेट्स हैं मैंने सब आप लोग के साथ शेयर किए। तो अगर आप सीरीज़ वाइज देखना चाहते हैं ब्रिंजल प्लांट की कैसे उगाएँ या हर पूरा अपडेट, तो वो भी मेरे इसी चैनल पे अपडेटेड। अगर आप लोग को लगता है कि ऐसी मिट्टी केवल एक प्लांट के लिए बनानी चाहिए तो नहीं, ऐसी मिट्टी सब प्लांट्स के लिए बनानी चाहिए। मेरे देखिए आप तोरी के पेड़ में भी काफ़ी ज़्यादा यील्डिंग इस बार आई है। कोई भी वेजिटेबल प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट या कोई भी हम कोई इंडोर प्लांट लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा किसी भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपको एक बार 15 से 20 दिन में अगर आप वेजिटेबल प्लांट्स में डाल देंगे तो वेजिटेबल प्लांट्स चल जाएंगे, और फ्रूटिंग प्लांट्स में तो जब फ्लावरिंग होने वाली होती है उसके अगर आप 1 महीने पहले डालोगे तब भी वो ले मतलब कि उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर अगर बात करें फ्रूटिंग प्लांट के लिए तो उसको एक अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसकी एक साइकिल होती है, उसके बाद वो मर जाता है। तो अगर आप लोग भी करना चाह रहे हैं ऐसी गार्डनिंग और अगर करना चाह रहे हैं ऐसे ही अच्छी हार्वेस्ट, तो देखते रहिए वीडियो को। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। कई लोग कई बार क्या करते हैं, मुझसे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया मेरे फल आ रहे हैं पर फूल नहीं बन, मतलब सॉरी फूल बन रहा है फल नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हो। आपने मिट्टी अच्छी बना ली, आपने सब कुछ किया, यहाँ तक कि आपने राख डाली जिससे कि जो फूल होता है वो टिक जाता है, पर फूल जब तक नहीं टिकेगा तब तक, जब तक कि आप अपने पौधे में नहीं कराओगे पॉलिनेशन। आप लोगों ने देखा होगा आपके पेड़ में किसी भी पौधे में एक फूल आता है गुच्छे में, जैसे कि तुरई के
पौधे में एक फूल आता है गुच्छे में, जो कि हमेशा खिलता रहता है, और एक फूल आता है अकेला, और उसके पीछे छोटा सा फल बना होता है, वो होता है फीमेल फ्लावर, और जो गुच्छे में आता है वो होता है मेल फ्लावर। तो मेरे सब्सक्राइबर्स किसी भी बात को लेकर ना घबराएं, कोई भी अगर बर्निंग टॉपिक है तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।